दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट रियल कवरेज। दोस्तों ये जो फोटो आप देख रहे हैं इस फ्रेम में, ये किसी और की नहीं बल्कि एक शिक्षिका की है। एक शिक्षिका या फिर शिक्षक जिसका समाज में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, समाज के मार्गदर्शक और समाज के रोल मॉडल माने जाते हैं। लेकिन जब आपको हमको सुनाई पड़े कि इस तरीके की शिक्षिकाएँ भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जबकि उन्हें शौक़ हो कम उम्र के बच्चों का, कम उम्र के लड़कों का, और इस तरीके की घटनाएं एक नहीं दो नहीं, न मालूम कितनी ऐसी भरी पड़ी हैं। वो बात अलग है कि हमारे सामने पकड़ी हुई चीज़ें बहुत कम आती हैं जिनका हमारे पास प्रूफ होता है। दोस्तों ये जो घटना है ये नोएडा का है। नोएडा आपको पता होगा दिल्ली से सटा हुआ एक बहुत अच्छा शहर। यहाँ पर सेक्टर 113 में एक घटना होती है। घटना से पहले मैं आपको ज़रा बैकग्राउंड बता दूँ। ये जो मैडम है, जो टीचर है, इनका नाम है आयशा खातून। आयशा खातून एक कोचिंग सेंटर चलाती हैं और इनकी उम्र इस समय लगभग 23 से 25 साल के बीच में बताई जा रही है। ये मैडम अपनी टीचिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, इनके अंदर टैलेंट इतना है कि जिस तरीके से ये क्लासेस लेती हैं, काफ़ी अच्छा नाम है इनका मोहल्ले में। लोग इनके पास अपने बच्चों को भेजने के लिए लाइन लगा के आते हैं। कोशिश ये रहती है कि अपना पूरा 100% प्रोवाइड करें, लेकिन इसी के चलते, इसी टैलेंट के चलते इनके पास बच्चों की भीड़ लगातार आती रहती है। लेकिन आपको जान के थोड़ा सा अजीब सा फील होगा कि इन मैडम का एक शौक़ भी था जो लोगों के जहन में था ही नहीं। लोग बिल्कुल इस पहलू से अनजान थे। उनके जहन में एक ही चीज़ थी कि ये महिला बहुत अच्छा कोचिंग प्रोवाइड करती है, बच्चों को सक्सेस मिलती है। लेकिन इस महिला का दूसरा पहलू अब लोगों के सामने आया है तो लोग परेशान हैं, अपने अपने बच्चों से जाके पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे साथ भी तो बेटा ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ये जो आयशा खातून है, इनका सबसे बड़ा शौक़ था कि जो कम उम्र के बच्चे होते थे, अब अगर मैं कम उम्र की बात करूं तो यही 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर के जो बच्चे होते हैं, इन यही बच्चे इनके टारगेट पे आते थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक राजीव शुक्ला जी रहते हैं, उनका एक 16 साल का बेटा है। 16 साल का बेटा भी इनके साथ इनके घर पे कोचिंग लेने जाता था, 10वीं का इस समय स्टूडेंट है। और आयशा खातून मैडम उस लड़के की सुंदरता पे फिदा हो जाती हैं। फिदा होने का जुनून ये था कि कब कितनी जल्दी उस लड़के को हासिल कर लें। हासिल करने का मतलब आप समझ सकते होंगे। और ये चीज़ शुरू हो जाती है, एक बार दो बार नहीं, सैकड़ों बार उस लड़के के साथ इन आयशा खातून मैडम ने वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। वो लड़का भी स्टार्टिंग में मना करता है, लेकिन बाद में वो भी इस चीज़ का हैबिचुअल हो जाता है। डरता है कि कहीं बता दूंगा तो मेरे घर पे मेरे परिवार वाले मेरी पिटाई न करें, मेरे खिलाफ चले न जाएं। और इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाती हैं ये आयशा खातून मैम। इन्होंने जब इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया, फाइनली वो लड़का टूट जाता है। और टूटने से पहले अपने एक दोस्त दो दोस्तों को बताता है कि मैडम मेरे साथ ऐसा करती है। उसके दो दोस्तों में से एक ने और भी रिवील किया कि ये मैम मेरे साथ भी ऐसा ही कर चुकी हैं। फाइनली जब इनको लगता है मैम को कि ये घटनाएं बहुत तेज़ी से फ्लो में आने वाली है, लोगों को पता चल रहा है, तो ये 16 साल के लड़के को लेके अपने घर से फरार हो जाती हैं। और फरार होने के बाद घर पे आने का नाम नहीं लेती हैं। फिलहाल इन लड़के का जो पिताजी हैं राजीव शुक्ला जी, उन्होंने पुलिस में एक कार्रवाई की है और पुलिस से डिमांड की है कि इस आयशा खातून मैडम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। हालांकि पुलिस इस समय पूरी कोशिश कर रही है इनको गिरफ्तार करने की, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इनके खिलाफ क्या धाराएँ लगती हैं, क्या चार्जशीट फाइल होती है, क्या कुछ होता है, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर लर्निंग वाली बात यह है कि अगर आपका बच्चा कहीं ट्यूशन जाता है, कहीं कोचिंग जाता है, किसी स्कूल कॉलेज में जाता है, तो उसकी निगरानी ज़रूर करें, उसके साथ फ्रेंडशिप रवैया रखें, जानने की कोशिश करें कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किस एनवायरनमेंट में है और उसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे बहुत सारी चीज़ें हमसे आपसे छुपाते हैं, उसे कुरेदना पड़ेगा, जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य कंप्लीटली आपके हाथ में है, किसी अरे गरे के हाथ में ना जाने दें। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।